कुरुक्षेत्र की लॉर्ड्स ग्रीन सिटी सेक्टर 9 पैरट्स के साथ साथ अन्य पक्षियों की पहली पसंद बन गई है। इस ग्रीन सिटी की पार्क के वृक्षों पर सुबह और शाम के समय पैरट्स और अन्य पक्षियों के चहचहाने की आवाज ग्रीन सिटी के लोगों को काफी भा रही है। इतना ही नहीं, इन पैरट्स में से एक पैरट का लगाव B62 में रहने वाले लोगों से हो गया है। यह तोता पिछले 15 दिनों से निर्धारित समय पर आता है और इस घर के लोगों से विशेष प्रकार का बिस्कुट की मांग करता है तथा बिस्कुट बड़े चाव से खाता है और 15 से 20 मिनट बिताकर उड़ जाता है। वहीं ग्रीन सिटी में रहने वाले राममूर्ति शर्मा ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बहुत ही सुंदर तोता उनके दरवाजे पर आता है और इस तोते को बिस्कुट, सेब और मिर्ची दी जाती है, लेकिन यह तोता एक विशेष प्रकार के बिस्कुट को ही पसंद करता है। वहीं यह तोता सेब और हरी मिर्च नहीं बल्कि लाल मिर्ची खाना पसंद करता है। यह तोता उनके कंधों पर बैठकर मुंह में पकड़े हुए बिस्कुट को भी ले लेता है। इस तोते को देखने के लिए आस पड़ोस के सब लोग इंतजार करने लगे हैं। यह तोता बिना किसी की परवाह किए बिस्कुट खाकर और पानी पीकर उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को लॉर्ड्स ग्रीन सिटी की हरियाली काफी पसंद आ रही है। हमारे यहाँ एक तोता डेली आता है पिछले करीब एक महीने से, और वो जब यहाँ कोई दिखाई ना दे तो वो बड़ी जोर जोर से आवाजें देने लगता है, जोर जोर से बोलता है। तब बाहर निकलते हैं बच्चे भी। एक दिन वो छत पे गुड़िया के पास ही खड़ा हो गया आके, तो गुड़िया ने उसको बिस्कुट दिया। उसके बाद उसका डेली का काम हो गया कि यहाँ आना और यहाँ पे बैठ के सबसे बातें करना, बोलना और बिस्कुट खाना, पानी वगैरह पी के, जब पूरा लाल मिर्च खानी, और ये सब करने के बाद उसके बाद वो जब उसका पेट भर गया तब वो उड़ जाता है रोज़ की रोज़। तो डेली हमारे पड़ोसी हैं, राजेश शर्मा जी हैं और दूसरे पड़ोसी सुखविंदर जी, और सभी लोग आके देखते हैं। आज सुबह नरेंद्र जी को हमने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई नरेंद्र जी आओ और देखो कैसे कैसे यहाँ पे तोता आया हुआ। नरेंद्र जी आए आज, और नरेंद्र जी की मिसेज भी थी, उनकी माता जी भी थी, हमारे सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। आज सब ने देखा, सब ने अपने हाथों से उसको बिस्कुट दिया, बल्कि हमारे बेटे ने बिस्कुट मुंह में लेके उसके मुंह में दिया, उसने बड़े आराम से ले लिया। बहुत ही फ्रेंडली मैनर्स में रोज आता है वो, बड़े आराम से रोज आराम से वो करता है, ना डरता किसी से और ना ही उसको कोई डराता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो अपने आप ही उड़ जाता है। सुबह 7:30 बजे के करीब आता है, 7:30 बजे के करीब आता है, शाम को 3:30-4 बजे शाम को आता है। बहुत ही अच्छा लगता है हमें। कुरुक्षेत्र से देवीलाल पारना की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।